केंद्र की मोदी सरकार के बजट पेश करने के बाद अब यूपी के योगी आदित्यनाथ के अनुपूरक बजट की हकीकत सामने आई है। जैसे मोदी सरकार ने आम बजट 2019-20 में अनदेखी किया है, ठीक उसी प्रकार योगी के अनुपूरक बजट में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अनुपूरक बजट में कानपुर और बुंदेलखंड को एक भी पैसा नहीं मिला है। यह एक तरह से कानपुर और बुंदेलखंड की घोर उपेक्षा ही है। बताया जा रहा है कि इस बार सरकार ने स्वास्थ्य, शहरी विकास, सिंचाई, सड़क निर्माण, पर्यटन, बिजली आदि के लिए 13,000 करोड़ से अधिक का बजट जारी किया है, लेकिन कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक भी पैसा नहीं दिया है। योगी द्वारा कानपुर और बुंदेलखंड की उपेक्षा सूबे में चर्चा का विषय बना है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र से सरकार में 5-5 मंत्री है, फिर भी यहाँ की उपेक्षा की बात कही जा रही है। कानपुर से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, कन्नौज से अर्चना पांडे, उन्नाव से हृदय नारायण दीक्षित, फतेहपुर से रविंद्र सिंह धुन्नी और हरदोई से ब्रजेश पाठक मंत्री हैं। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।